औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम मालिक खालिक और रब्बे कायनात है, वाहदहु ला शरीक है, ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसका कोई शरीक नहीं। हज़ारों करोड़ों अरबों लामतनाही दरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, जो अल्लाह के प्यारे नबी हैं और हमारे लिए एक सुन्नत के तौर पे उन्होंने दीन दिया हमें, और अल्लाह ताला हमें आपकी सुन्नत पे अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तोई की सा मुख्तसर। जेंटलमैन, बिफोर एज यूजुअल बिफोर आई मूव टू माय लेक्चर, आई जनरली शेयर एक मैसेज ऑफ द डे आपसे शेयर करता हूँ। आज का मैसेज है, ट्रस्टिंग अल्लाह वुड नॉट मेक द माउंटेन स्मॉलर बट विल मेक द क्लाइंबिंग ईजियर। डोंट आस्क हिम फॉर अ लाइटर लोड बट आस्क हिम फॉर अ स्ट्रॉन्गर बैक। ये एक गाइडलाइन है। अल्लाह का नाम लेने से आपकी इज्जत में इजाफा होगा। मालिक रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़े कायनात, ये एक होप का मैसेज है। खालिक़े कायनात को हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, उसको हमारी नीयत की जरूरत है। तो अल्लाह ताला से हम भलाई मांगते हैं, अल्लाह से खैर मांगते हैं, उसकी नियमतों का शुक्र अदा करते हैं और उसकी दी हुई नियमतों पे उसके मशकूर हैं। और हमारी नीयत साफ है, हम उसकी मखलूक के लिए, उसकी चीज़ों के लिए, उसके आने वाली जितने उसके अहकाम हैं, साफ नीयत के साथ इंसानियत की भलाई, उसके दीन पर अमल और एक पॉजिटिविटी के साथ जिंदगी बसर नाम बसर करने का नाम जिंदगी है। सो वी बिलीव एंड री एश्योर कि अल्लाह और उसके नबी के बताए हुए अहकाम के मुताबिक हम अपने वालदेन की खिदमत करेंगे, हम सोसाइटी के लोगों के लिए पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे और हम हर आने वाले दिन कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो और हम उनके अल्लाह के अहकाम पे सच्चे दिल के साथ अमल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। जेंटलमैन, विद दिस वी मूव टू द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट लेक्चर 17। बिफोर वी मूव ऑन टू लेक्चर 17, हमें लेक्चर 16 की डिफरेंट सेलियंट पॉइंट्स का रिकैप्चुलेट करना है, उसकी समरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज एंड इट बिल्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और हम आगे से एक बेहतर फ्रिक्वेंसी में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ के मूव हो सकें। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी किया था, उसके बाद बात हुई थी व्हाट इज क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, टोटैलिटी ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी दैट बेयर ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड एंड इम्प्लाइड नीड्स। जो उनकी नीड्स हैं उसको जो मुतमिन करे, जो नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसका नाम क्वालिटी है। क्वालिटी क्वांटिफाइड जो है, क्यू इक्वल टू पी अब्लिक ई, वेयर पी इज इक्वल टू परफॉर्मेंस एंड ई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस। क्यू जो है इज इक्वल टू क्वालिटी इज इक्वल टू परफॉर्मेंस डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेशंस। नाउ इफ वी सी एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, इस स्लाइड पे गौर करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है TQM का, ये कैसे एमर्ज हुआ। इनिशियली इट स्टार्टेड बाय द मास इन्फेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रोडक्ट्स, देन द क्वालिटी कंट्रोल एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, फिर क्वालिटी कंट्रोल एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग पे बात हुई, फिर क्वालिटी एश्योरेंस पे बात हुई, फिर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स पे बात हुई, फिर कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल एक कंसेप्ट आया, उसका नाम रख दिया गया TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नो एवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरह मर्ज हुआ, एवोल्यूशन किस तरह ये चला, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बेसिकली रिएक्टिव अप्रोच थी। रिएक्टिव अप्रोच में इनिशियली लोगों ने डिटेक्शन पे जोर किया, फाइंडिंग एंड फिक्सिंग मिस्टेक्स, जो फाइंडिंग और फिक्सिंग मिस्टेक्स थी उस पर ज़्यादा जोर दिया गया कि इंस्पेक्शन हुई, फिर उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल की बात हुई। अच्छा, उसके बाद प्रिवेंशन हुई। प्रिवेंशन में क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट आया, फिर उसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट आया। अच्छा, जो शुरू में एक रिएक्टिव अप्रोच थी कि जब चीज़ें बन जाएं उनकी इंस्पेक्शन शुरू करें, उनको फिर देखें, फिर उनके फॉल्ट डिटेक्शन करें, फिर क्वालिटी एश्योरेंस करें, फिर स्टेप बाई बाज के साथ चलें स्टेप वाइज उसमें। लेकिन स्टेज केम वंस दी क्वालिटी एश्योरेंस कंसेप्ट जब से आया तो दी थिंग्स वेंट टूवर्ड्स दी प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच ये थी कि आप चीज़ों को एडवांस तरीके से हैंडल करें और थोड़े प्रोएक्टिव होकर उनको देखें, सो दैट कि क्वालिटी में आपकी कमी ना अदरवाइज आए।
अभी अगर आप गौर से करें, देखें इसको राइट साइड पे जो एरो लगा हुआ है, सबसे पहले इंस्पेक्ट प्रोडक्ट्स की कंसेप्ट आ गया कि इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल वगैरह से इंस्पेक्ट प्रोडक्ट्स। उसके बाद आ गया ऑपरेशनल टेक्निक्स टू मेक इंस्पेक्शंस मोर एफिशिएंट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जांपल ये बड़ी ड्वेल करने वाला पॉइंट है, ऑपरेशनल टेक्निक्स टू मेक इंस्पेक्शन मोर एफिशिएंट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ये बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल का कंसेप्ट है। और उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस का कंसेप्ट डिफाइन किया गया कि प्लान एंड सिस्टमेटिक एक्शंस टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज कंफर्म टू कंपनीज रिक्वायरमेंट्स। प्लान और सिस्टमेटिक एक्शंस थे टू इंश्योर दैट के टू इंश्योर प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज कंफर्म टू दी कंपनी रिक्वायरमेंट्स, ये कंपनी रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म करें। उसके बाद TQM का कंसेप्ट आया, दिस कंसेप्ट इनकॉर्पोरेट्स क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस एक्टिविटीज इन टू अ कॉम्नी वाइड सिस्टम एम्ड एट सेटिस्फाइंग द कस्टमर। इनका मेन फोकस एक ही होता है कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जाए, कस्टमर को टारगेट किया जाए। इन्वॉल्व्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट है, जो पैराडाइम है, इसमें आने के लिए ऑल फंक्शंस उसके अंडर कमांड कर दिए जाते हैं और मेन फोकल पॉइंट उनका होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। द एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन मॉडल प्रोसेस एक शुरू होता है, प्रोसेस के बाद इंस्पेक्शंस होती हैं, इंस्पेक्शन के बाद पास द इंस्पेक्शन यस और उसके बाद एक्सेप्टेड एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस। अगर फर्स्ट किया इंस्पेक्शन पास नहीं होती या नो की उसमें आती है लाइन, तो उसके बाद ऑब्वियसली जब इंस्पेक्शन के बाद नो होता है तो वो जो काम है, जो प्रोडक्ट है, जो उस पर जितना काम हुआ होता है, इट जनरली गोज टू रिजेक्शन, देन स्क्रैप, देन रीवर्क और रिपेयर के इश्यूज की तरफ जाती है। पार्ट्स इंस्पेक्शन में अर्लियर परसेप्शन ये था पार्ट्स इंस्पेक्शन का जी कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट्स थ्रू द इंस्पेक्शन आफ्टर ईच मेजर एक्टिविटी। इट वॉज कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट्स थ्रू इंस्पेक्शन आफ्टर ईच मेजर एक्टिविटी। ये पार्ट्स इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट था। इनिशियली प्रोडक्ट आई, प्रोडक्ट के बाद मिक्स प्रोडक्ट आई, मिक्स प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट परफॉर्मेंस चेकिंग आई, उसके बाद ओके है, नॉट ओके है, और प्रोडक्ट सर्विस फिक्सिंग आ गई, उसमें प्रोडक्ट सर्विस फिक्सिंग का कंसेप्ट डाल दिया गया। और ये बेसिकली पार्ट्स इंस्पेक्शन का प्रोसेस है जिसको इंश्योर किया गया और जिसको साथ लेके आगे चले। इनिशियली ये इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी कि स्पेयर पार्ट इंस्पेक्शन पर कोई तवज्जो दी जाए या इसको ज्यादा फोकस किया जाए। बाद में अर्लियर इसको ये किया कि इस परसेप्शन को ज्यादा स्ट्रांग किया गया और मेजर एक्टिविटी के थ्रू इसकी कॉन्फर्मेंस करते थे स्टैंडर्ड्स की। क्वालिटी कंट्रोल इज द ऑपरेशन टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज दैट आर यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी। मैं रिपीट कर देता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द ऑपरेशनल टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज दैट आर यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल वो ऑपरेशन टेक्निक्स और एक्टिविटीज हैं जो क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए की जाती हैं। मसलन प्रोडक्ट आती है, उसके बाद मिक्स्ड प्रोडक्ट बनती है, मिक्स्ड प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट सर्विस फिक्सिंग होती है, फिर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस चेकिंग होती है। अगर तो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस चेकिंग इज ओके, इट क्वालिफाइज दैट टेस्ट, तो फिर देन इट्स ओके। अच्छा फर्स्ट किया, इट इज नॉट ओके, अगर वो लूप फीडबैक वापस आती है नॉट ओके, तो नॉट ओके आपने देखा होगा नीचे इंडिकेट हो रहा है कि दोबारा सर्विस फिक्सिंग की जाती है। साइकिल बी एक और हो सकता है कि प्रोसेस एंड सिस्टम फिक्सिंग, यानी या तो उसको सर्विस के थ्रू करेक्ट किया जाता है उस प्रोडक्ट को, या उसको प्रोसेस या फिक्सिंग के थ्रू इंश्योर किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल, इट इज दैट पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट्स। क्वालिटी कंट्रोल, इट इज दैट पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट का वो हिस्सा है विच इज फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स, जो कि रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, ऑफ द कस्टमर्स फॉर द इक्वल क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए सारे के सारे स्टेप्स को ये फोकस करता है और इंश्योर करता है। द पर्पज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज टू अनकवर डिफेक्ट्स। इसका पर्पज ये होता है कि सारे के सारे डिफेक्ट्स को अनकवर किया जाए एंड हैव देम करेक्टेड सो दैट डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। यानी ये किया जाता है कि डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाए और जीरो डिफेक्ट्स इसको कहा जाता है वो इंश्योर किया जाए।
मॉनिटर्स एंड अप्रूव्स प्रोसेस एंड इट्स परफॉर्मेंस थ्रू, ये प्रोसेस की मॉनिटर भी करता है और उसकी परफॉर्मेंस को भी देखता है थ्रू मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन, जो कि मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन होती हैं उनको। कंट्रोल प्लान्स को भी देखता है, कंट्रोल प्लान्स क्या हैं, और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल्स को देखता है, मटेरियल रिव्यू बोर्ड को देखता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम फॉर ट्रेसिबिलिटी, सिस्टम की एस्टेब्लिशमेंट जो ट्रेसिबिलिटी है उसको देखता है, एंड नॉन कन्फॉर्मेंस मटेरियल अब्लिक प्रोडक्ट कंट्रोल उसको देखता है, और कुरेक्टिव एक्शन एक्शन और रीवर्क और रिपेयर को भी ये चेक करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटीज टू फुलफिल कस्टमर परसेप्शन एंड रिक्वायरमेंट। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है एज ए होल, इस पैराडाइम को कैसे हम डिफाइन करेंगे, मैं रिपीट कर देता हूँ। इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटीज टू फुलफिल कस्टमर परसेप्शन एंड रिक्वायरमेंट। कस्टमर परसेप्शन और रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। अच्छा, इसमें डिजाइन होती है, डिजाइन के बाद प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस कंट्रोल होता है, प्रोडक्ट प्रोसेस और सिस्टम फिक्सिंग होती है, और फिर प्रोडक्ट प्रोसेस आर दी सिस्टम फिक्सिंग टू इम्प्रूवमेंट होती है, फिर प्रोडक्ट फिक्सिंग होती है, और फाइनली क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो इंश्योर की जाती है उसे। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस लीडिंग टू QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ क्वालिटी एश्योरेंस कैसे लीड करती है। इट इम्प्रूव्स सपोर्ट्स एंड ऑडिट्स प्रोडक्ट्स थ्रू एस्टेब्लिशिंग रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ, इन बेसिकली ये इम्प्रूव करती है, सपोर्ट करती है, ऑडिट्स करती है प्रोडक्ट थ्रू एस्टेब्लिशिंग रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो सबसे बुनियादी चीज़ हमने पहले भी शेयर की थी कि ये कस्टमर रिक्वायरमेंट पे फोकस करती है। सिस्टम एंड प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, जो सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन है उस पर भी जोर देती है और प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पर भी जोर देती है। फिर क्वालिटी प्लान्स को देखती है, क्वालिटी प्लान्स क्या हैं। फिर परफॉर्मेंस गोल्स को देखती है कि परफॉर्मेंस गोल्स कैसे हैं, किस तरह चल रहे हैं। ट्रेनिंग्स, जो रेलिवेंट ट्रेनिंग्स हैं उन पे फोकस किया जाता है कि ये क्या है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन है उस पे भी ये जोर देती है, उसको देखती है कैसे किया जाए। सप्लायर परफॉर्मेंस, जो स्पेयर पार्ट प्रोविजन वाला आदमी है उसकी, उसका जो सप्लायर है, जो वेंडर है, उसकी परफॉर्मेंस को भी ये प्रॉपर तरीके से, उसका प्रोफाइल या रिकॉर्ड या उसका बिहेवियर, उसका प्रोफेशनल प्रोफाइल का प्रॉपर एक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट किया जाता है। करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस, करेक्टिव एक्शंस कौन से लिए गए और प्रिवेंटिव एक्शंस कौन से इंश्योर किए गए। क्वालिटी मैनेजमेंट, अ मैनेजमेंट अप्रोच दैट प्लेसेस एम्फसिस ऑन कंटिन्यूअल प्रोसेस एंड सिस्टम इंप्रूवमेंट्स फॉर अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अ मैनेजमेंट अप्रोच, ये क्वालिटी मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट अप्रोच है दैट प्लेसेस एम्फसिस ऑन कंटिन्यूअल प्रोसेस एंड सिस्टम इंप्रूवमेंट्स फॉर अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये एक मैनेजमेंट अप्रोच है जो प्लेस करती है, एम्फसिस करती है, ज्यादा जोर देती है ऑन कंटिन्यूअल प्रोसेस एंड सिस्टम इंप्रूवमेंट्स, जो सिस्टम और प्रोसेस की इंप्रूवमेंट्स पे जरूरी है फॉर अचीविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जैसे अचीव की जा सके। इट्स अ कल्चरल एंटिटी, क्वालिटी मैनेजमेंट जो है QM जो है एक कल्चरल एंटिटी भी है जो इस पर जोर दिया जाता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट विद इन द क्वालिटी सिस्टम, द क्वालिटी पॉलिसी को देखती है। ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखती है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग को देखती है। क्वालिटी कंट्रोल को देखती है कि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, और ऑब्वियसली क्वालिटी एश्योरेंस कि एंड पे क्वालिटी एश्योरेंस का क्या रिस्पॉन्स है, वो चीज़ को देखती है। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन विद रिगार्ड टू क्वालिटी, एंड दैट इज ISO 9000। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में देखें तीन डिपार्टमेंट्स हैं वेटिंग। एक क्वालिटी प्लानिंग है, क्वालिटी प्लानिंग क्या है उसमें बेसिकली क्वालिटी प्लानिंग जितनी होती है ये क्राइटेरिया ड्रिवन होती है, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या लेवल होगा उसकी एक्सपर्टीज का, किस लेवल पे होगी। दूसरी है क्वालिटी एश्योरेंस, जो क्वालिटी को इंश्योर करती है, दिस इज प्रिवेंशन ड्रिवन। पहले वाली जो क्वालिटी प्लानिंग थी ये क्राइटेरिया ड्रिवन थी, क्राइटेरिया के लिहाज से थी। दूसरी क्वालिटी एश्योरेंस जो है प्रिवेंशन ड्रिवन है कि प्रिवेंट कैसे चीज़ों को किया जाए। और लास्ट इज दी क्वालिटी कंट्रोल, कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे इंश्योर किया जाए, ये इंस्पेक्शन ड्रिवन है कि इंस्पेक्शन को देखा जाए कि हम किस तरह इसको लेके चलते हैं, एंड हाउ द इंस्पेक्शंस आर टेकन ऑन टू गिव अ बेटर रिजल्ट इन फ्यूचर। नाउ वी कम टू दी क्वालिटी मैनेजमेंट कंपोनेंट्स। क्वालिटी मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। वन इज दी क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी प्लानिंग है
इट आइडेंटिफाइज द स्टैंडर्ड एंड डिटरमिनेंट्स हाउ टू सेटिस्फाई दो स्टैंडर्ड्स। पहली बात है कि ये क्वालिटी प्लानिंग वाले पहले स्टैंडर्ड्स को डिटरमिन करते हैं कि स्टैंडर्ड हैं क्या, KPIs कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जैसे होते हैं, एंड डिटरमिन हाउ टू सेटिस्फाई दो स्टैंडर्ड और उन स्टैंडर्ड्स को कैसे सेटिस्फाइड किया जाए। देन इट लेज आउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज, प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस टू बी यूटिलाइज फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस। ये वो प्रोसीजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अहम चीजें लाती है कि क्वालिटी इंश्योरेंस को कैसे इंश्योर किया जाए। फिर है क्वालिटी इंश्योरेंस, दूसरा सेगमेंट है उसका क्वालिटी मैनेजमेंट कंपोनेंट का। इट इज द रिव्यू टू इंश्योर अलाइनिंग विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये प्रॉपर रिव्यू है, पीरियडिक चेक है, इंश्योरेंस है कि प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से वो हो। एन असेसमेंट विल बी प्रोवाइडेड हेयर, इधर एक असेसमेंट शेयर की जाती है। प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक क्वालिटी एक्टिविटीज, प्लान्ड और सिस्टमेटिक क्वालिटी एक्टिविटीज को इंश्योर किया जाता है। एंड इट प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस दैट आर स्टैंडर्ड विल बी मेट। यह कॉन्फिडेंस देती है मैनेजमेंट को, लोगों को, कि ऑल स्टैंडर्ड वुड बी मेट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस बीइंग कस्टमर फोकस्ड। नाउ वी विल मूविंग टू द क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन ड्रिवन, इस पर बात करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? इट एड्रेसेस असेसमेंट कंडक्टिंग ड्यूरिंग द क्वालिटी एश्योरेंस फॉर द करेक्टिव एक्शंस। बेसिकली इट एड्रेसेस द असेसमेंट जो कि असेसमेंट की जाती है, कंडक्टेड ड्यूरिंग द क्वालिटी एश्योरेंस फॉर करेक्टिव एक्शन। जब करेक्टिव एक्शन आप अंडरटेक कर रहे होते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, सर्विस सेक्टर या किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के, प्रोसीजर के, तो उसके दौरान जो है ये इंश्योर की जाती है। इट मेजर स्पेसिफिक रिजल्ट टू डिटरमिन दैट दे मैच द स्टैंडर्ड्स। ये स्पेसिफिक रिजल्ट क्वान्टिफाइबल होते हैं, टेंजिबल, जो कि स्टैंडर्ड्स, डिक्लेयर्ड स्टैंडर्ड्स के साथ मैच होने चाहिए, ये वो चीज़ है। इट मेजर स्पेसिफिक रिजल्ट टू डिटरमिन दैट दे आर मैच द स्टैंडर्ड्स एंड यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। SPC का इस्तेमाल होता था, ये यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल्स का। मेथोडोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई स्पेशल केसेस, कॉजेज ऑफ वेरिएशन एंड सिग्नल्स टू नीड टू टेक करेक्टिव एक्शंस व्हेन अप्रोप्रिएट। पहली बात है कि दो चीजें इससे अमर जो हो रही हैं SPC से, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की बात हो रही है, ए मेथोडोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई स्पेशल कॉजेज ऑफ वेरिएशन, के वेरिएशन हो क्यों रही है स्टैंडर्ड वेरिएशन से, टाइम में चीजें क्यों हो रही हैं, एंड द सिग्नल दैट नीड टू बी करेक्टेड, करेक्टिव एक्शन व्हेन अप्रोप्रिएट, कि वो करेक्टिव एक्शन किस लेवल पे, किस स्टेज पे चाहिए और कितने चाहिए और कहाँ से चाहिए, ये इनका मेन है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन ड्रिवन होगी, ये शुरू में हमने फिक्र में भी देखा था। It addresses the assessment conducting during quality assurance for the corrective actions. ये वो assessment है जो corrective actions के दौरान quality assurance की जाती है। It measures specific result to determine that they match the standards. जो standard match करे उनके specific results के साथ ये चलती है। And it uses the statistical process control, a methodology for monitoring a process to identify special causes of variation and signal need to take care corrective actions when appropriate. जब भी जरूरी हो appropriate action लेनी चाहिए उन जो variations आ रही थी। SPC relies on the control charts. जो SPC को की main reliance है या main implementation है control charts के through की जाती है। What is a control chart? ये quality की measure का बहुत बुनियादी चीज़ है, उस पर हम बात करते हैं। व्हाट इज अ कंट्रोल चार्ट? अ कंट्रोल चार्ट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच द कंट्रोल वैल्यूज आर प्लॉटेड अगेंस्ट देम। टाइम के लिहाज से कंट्रोल वैल्यू को प्लॉट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स हैव अ सेंट्रल लाइन, अपर एंड लोअर वार्निंग लिमिट्स एंड अपर एंड लोअर एक्शन लिमिट्स। ये बेसिकली कंट्रोल चार्ट्स जो हैं इनकी एक सेंट्रल लाइन होती है, फिर इनकी अपर और लोअर वार्निंग लिमिट्स होती हैं और अपर एंड लोअर एक्शन लिमिट्स भी होती हैं इनके। इमीडिएट विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। कंट्रोल चार्ट्स का एक जो फायदा होता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतर फायदा होता है, कि इमीडिएटली विजुअलाइज हो जाती है कि प्रॉब्लम है क्या। नाउ वी कम टू द इलस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, कि कंट्रोल चार्ट जो हैं कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, इनके इलस्ट्रेशन क्या है। आप अगर गौर करें इस स्लाइड के ऊपर, देयर इज अ कंट्रोल वैल्यू, देन इज अ वार्निंग लिमिट, देन इज अ एक्शन लिमिट, देन इज द सेंट्रल लाइन एंड देन इज द
वार्निंग लिमिट के साथ ऊपर रेड को उन्होंने किया हुआ है और कंट्रोल वैल्यू नीचे से दी हुई है। ये एक चार्ट्स हैं जो डिफरेंट तरीके से प्लॉट किया है उसने डिफरेंट वेरिएशंस को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, और उस प्रोसेस की इन्होंने दो लिमिट्स डिफाइन कर दी हैं। वन इज नोन एज कंट्रोल वैल्यू, अदर इज द एक्शन लिमिट। एक्शन लिमिट से नीचे अगर आपने कुछ पॉइंट नीचे देखा है कि वार्निंग लिमिट का इंडिकेटर दे दिया गया है और एक सेंट्रल लाइन से उनकी वेरिएशन के लिहाज से इसको असेस किया जा रहा है और इनकी प्लॉटिंग वगैरह को इंश्योर किया जा रहा है। व्हेन टू टेक एक्शन, एक्शन कब लिया जाना चाहिए। वन पॉइंट प्लॉट्स आउटसाइड द एक्शन लिमिट्स, हमें एक्शन उस वक्त लेना चाहिए जब कोई पॉइंट जो है कोई इंडिकेटर या वैल्यू जब एक्शन लिमिट से आउटसाइड चली जाए तब लेना चाहिए। वन नंबर टू इज द टू कंजेक्टिव पॉइंट्स प्लॉट्स बिटवीन द वार्निंग एंड एक्शन लिमिट्स, ये प्लॉट करने होते हैं पॉइंट्स के वार्निंग लिमिट और एक्शन लिमिट्स के दरमियान आपस में। एट कंजेक्टिव पॉइंट्स प्लॉट ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल लाइन, सिक्स पॉइंट्स प्लॉट्स स्टेडली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि स्टेडली ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। एंड व्हेन एन अनयूजुअल और नॉन रैंडम पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड, जब कोई अनयूजुअल या नॉन रैंडम पैटर्न ऑब्जर्व हो तो ये उसके लिए। व्हेन टू टेक एक्शन, किन केसेस में, ये हम चार्ट्स की बात कर रहे थे कि किस वक्त एक्शन लेना है। पिछली फिगर्स को अगर आप फॉलो करें कि वार्निंग लिमिट्स हैं, कंट्रोल वैल्यूज हैं, एक्शन लिमिट्स हैं, कि हमने एक्शन कब लेना है। वन पॉइंट प्लॉट्स आउटसाइड द एक्शन लिमिट्स, जब आउटसाइड द एक्शन लिमिट्स हो पॉइंट तो उसको देखना है। टू कंजेक्टिव पॉइंट्स प्लॉट्स बिटवीन द वार्निंग एंड द एक्शन लिमिट्स, के वार्निंग और एक्शन लिमिट्स के दरमियान जो दो पॉइंट्स हों वो। एट कंजेक्टिव पॉइंट्स प्लॉट ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल लाइन, और अगर आठ पॉइंट सेंट्रल लाइन की एक ही तरफ कंटिन्यूसली उनका प्रोफाइल आ रहा हो। और सिक्स पॉइंट प्लॉट्स स्टेडी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जब छह पॉइंट्स जो हैं स्टेडीली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को इंडिकेट कर रहे हों। व्हेन एन अनयूजुअल और नॉन रैंडम पैटर्न इज ऑब्जर्व, जब कोई भी अनयूजुअल और नॉन रैंडम पैटर्न ऑब्जर्व हो फिर भी उसको देखा जा सकता है। व्हेन टू टेक एक्शन, ये आप जरा गौर करें और देखें, मंथ देखें और ये प्लॉट को अगर गौर करें, डिफरेंट स्लाइड के ऊपर डिफरेंट कलर कोड के साथ दिखाया गया है। माइनस वन से गया, टू से गया, फिर ये प्लॉट ऊपर जाता है, अब नॉर्मली प्लस टू साइड को टच करता है और उसको इंडिकेट किया गया है नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिहाज से। ये एक दूसरा है कि अब नॉर्मली इस फिगर में भी आपने और से देखा होगा कि जब रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है या रेड लाइन को जब उसने टच कर दिया तो एक्शन इज टू बी टेकन रिगार्डिंग दी स्टैंडर्ड ऑफ दी जो इंस्पेक्शन कंट्रोल है उसके तहत उसमें। ये एक तीसरा पैटर्न इस फाइल में दिखाया गया है जो आपको स्लाइड दिखाई गई है, ये किस तरह करना है। हम अभी हम बात करते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, इसके इंप्रूवमेंट टूल्स क्या हैं। अगर गौर करें सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज काज एंड इफेक्ट, कि काज को देखा जाए, उसके इफेक्ट्स को जजमेंट किया जाए, उन दोनों को डिटेल में एवेल्युएट किया जाए, उनका एक डेटा रखा जाए, काज एंड इफेक्ट डायग्राम से भी हो जाता है। फिर दूसरी उसका है फ्लो डायग्राम से, कि उसकी फ्लो डायग्राम को एड्रेस किया जाए कि फ्लो डायग्राम कैसी है, इसको कैसे लेके हमने चलना है और किस तरह इसको देखना है। थर्ड इज ब्रेनस्टॉर्म किया जाए, डिटेल में फोकस ग्रुप बने, लोगों का ग्रुप बैठे, वो तसल्ली से इसको ब्रेनस्टॉर्म करे, हाउ टू डू इट, हाउ टू मॉनिटर इट एंड हाउ टू इंश्योर इट सो दैट के काज एंड इफेक्ट और या हमारी क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो है, जो प्रीवियस हमारी वेरिएशन आ रही हैं, जो हमारा कस्टमर खुश नहीं है, जो सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नहीं हो रही, या हमारी प्रोडक्ट्स पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्वालिटी भी कम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्यों हो रही है, एक एक इशू को अलहदा किया जाए, छोटे ब्रेनस्टॉर्म ग्रुप्स बनाए जाएं जो एंड पे बड़े ग्रुप्स के साथ मिलके इसको डिटेल में स्टडी करें। देन इज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, नॉमिनल ग्रुप नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, कि डिफरेंट ग्रुप्स को बता दिया जाता है कि आप इसको गौर से करें, इसको असेस करें, इसको एवेल्युएट करें और उसके बाद इस पर आप कॉमेंट करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहे क्वालिटी की हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहे सोशल लाइफ की हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहे पर्सनल लाइफ की हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हो, इट ऑलवेज पेज। ये ओल्ड एज
एक ह्यूमन बीइंग को अल्लाह ताला ने, जब ह्यूमन बीइंग बने उसके साथ ही मेरे रब्बे कायनात ने, रब्बे जुल्जलाल ने इंसान को एक पोटेंशियल दे दिया कि आप बैठ के गौर करें, तरद्दुद किया करें। उर्दू में इसको तरद्दुद कहते हैं, यू थिंक ओवर कि व्हाट इज द काज। ब्रेनस्टॉर्म के कुछ प्रोटोकॉल लिखे गए कि नंबर वन, ब्रेनस्टॉर्म में एवरी वन पार्टिसिपेट्स। मुमकिन है कि आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्पेक्स की बात कर रहे हो, तो मुमकिन है जो वर्कशॉप फ्लोर पे एक जो मजदूर ऑनलाइन ऑन ग्राउंड एक लेथ मशीन पे काम कर रहा है वो भी उस ब्रेनस्टॉर्म प्रोसेस का हिस्सा हो। और ब्रेनस्टॉर्म प्रोसेस में कोई सीनियर, कोई जूनियर, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, बल्कि एक नॉन इग्विस्ट तरीके से प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच के तहत सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि इशू क्या है, ये क्यों हो रहा है, इसकी जेनेसिस क्या है, इसकी काज क्या है, इसकी रीजन क्या है। फिर गो राउंड रॉबन एंड ओनली वन पर्सन स्पीक्स एट अ टाइम। जितने लोगों ने अपनी ओपिनियन देनी है, जितने लोगों ने बातचीत करनी है, जो शेयर करना है, इंश्योर करना है, वो सारे बैठ जाते हैं, लेकिन एक वक्त में एक बंदे को इजाजत होती है बोलने की, ही पुट्स अक्रॉस हिज आइडिया कि मैंने अपनी बातचीत करता है। देन नो डिस्कशन ऑफ आइडियाज, इसमें आइडियाज डिस्कस नहीं होते, इसमें प्रॉब्लम डिस्कस होती है, इशू डिस्कस होता है, वो टाइम वेस्टर्स को कट डाउन किया जाता है और सिर्फ काम की बात की जाती है। देयर इज नो सच थिंग एज डंब आइडिया। ये ओपन हर बंदा, हर ह्यूमन बीइंग्स, हर इंडिविजुअल, हर को वर्कर एंड एम्प्लॉय ऑफ एंटरप्राइज इज अलाउड टू गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट। पास व्हेन नेसेसरी, अगर आप समझते हैं कि जरूरी है तो उसको आप पास भी कर सकते हैं। एंड यूज बिग येलो स्टिकी नोट्स एंड राइट ओनली वन आइडिया पर स्टिकी नोट। आप डिफरेंट ऑप्शन देते जाते हैं और एक आइडिया पे पहले कहते हैं जी अच्छा जी दिस इज द आइडिया, आप सबको शो करते हैं, उस पर सबकी ओपिनियन लेते हैं, फिर दोबारा अगले पे ओपिनियन लेते हैं, यू एंड हियर यू मूव वन वन बाय वन। वन पर्सन असाइंड एज स्क्राइब, एक बंदा होता है जो मेन इसको कंडक्ट करता है और इसको हैंडल कर रहा होता है। फॉर अ कॉम्प्लिकेटेड इशू द सेशन कुड लास्ट 30 to 45 मिनट्स और लॉन्गर। ये सेशन की सेंसिटिविटी, उसकी कॉम्प्लिकेशन या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करता है कि सम टाइम इट मे फिनिश इन 30 मिनट्स, सम टाइम इट इवन कैन टेक मोर देन 2 आवर्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द इशू। नो स्टैंडर्ड टाइम कैन बी गिवन के बे सिर्फ इतने टाइम लगाना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक इज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या है? इट यूज अ नॉमिनल ग्रुप टेक्निक टू फोकस ब्रेन स्ट्रॉमिंग रिजल्ट। उसके बाद ब्रेन स्ट्रॉमिंग रिजल्ट को फोकस किया जाता है थ्रू अ नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। एंड इंटरनेट सर्च ऑन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक विल यील्ड मैनी एग्जाम्पल्स एंड मैथड्स टू अप्लाई दिस टेक्निक। बेसिकली अगर आप नॉमिनल ग्रुप टेक्निक के मुतालिक मजीद पढ़ना चाहें तो इंटरनेट सर्च में भी जा सकते हैं, लेकिन जनरली यह है कि जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग से इशू शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिल्टर आउट हुए हैं, नॉमिनल टेक्निक के थ्रू उनको फर्दर पॉलिश किया जाता है, उनकी टेक्निक्स, उनकी मेथडोलॉजी, प्रोसेस पे बात हो जाती है। एंड इट इज समथिंग अ फर्दर रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज टुवर्ड अचीविंग द एंड रिजल्ट। राइट, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स, फ्लो डायग्राम्स इज द नेक्स्ट इन द लिस्ट। व्हाई इज फ्लो डायग्राम हेल्पफुल? ये फ्लो डायग्राम क्यों हेल्पफुल होती है? बिल्ड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए होल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो विच इज एक्सेप्टेड बाई ऑल रैंक्स फॉर द होल प्रोसेस should be developed, and develop process thinking. एक process thinking फिर की जाती है, and then improve a process, then process को improve किया जाता है, and then standardize a process, फिर process को standardize किया जाता है। So why is flow diagram helpful? It builds a common understanding of a whole process. Initially common understanding whole process की improve होती है for the all ranks, everybody is on the same page, then develop process thinking, फिर process thinking develop होती है और उसके बाद इंप्रूव द प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस इज इंप्रूव्ड। एंड देन ऑब्वियसली वंस द प्रोसेस हैज बीन इंप्रूव्ड, इट फॉर कंसिस्टेंट एंड फॉर सस्टेनिंग इट रिक्वायर्स स्टैंडर्डाइजेशन, सो देन द प्रोसेस इज स्टैंडर्डाइज्ड। फ्लो डायग्राम ऑफ एन एटीएम विड्रॉ। आप एटीएम विड्रॉ पे अगर फोकस करें कि एटीएम विड्रॉ के स्टेप आपको और मुझे हर एक को मोस्ट ऑफ द टाइम पता होंगे, और इसके अगर फ्लो डायग्राम पे गौर करें कि कैसे इनिशियली एटीएम में इन होता है बंदा। फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन हु वांट्स द मनी ही अप्रोचेस द एटीएम। अप्रोच करने के बाद इज देयर, अगर वो मशीन ठीक है उसके बाद ये बाकी स्टेप्स लेते 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 अगर उसका बैलेंस सफिशिएंट है तो देन ही रिमूव
the cash from the ATM and remove the receipt and remove the ATM card and obviously then he leaves the ATM. अच्छा बीच में जब ये सारे स्टेप्स की यस नो करके फ्लो डायग्राम आपको एज सोन ऑन व्यू फाइल नजर आ रही है तो बास केसेस में बीच में वो आपसे पूछता है डू यू वांट एनी मोर ट्रांजैक्शन तो यू से नो देन अगेन रिमूव दी एटीएम कार्ड देन बास केसेस में कहता है रिमेंबर पिन नंबर फिर आप पिन नंबर इंसर्ट करते हैं पिन नंबर आप इनपुट दोबारा देते हैं और लाइकवाइज आप फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक एक्सटिकेट करते हैं फ्रॉम दी एटीएम फ्लो डायग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स which is taken to understand a process, then rethink the process, then redesign the process, and obviously then standardize that process. Investigate the root causes. Understand the root causes of a problem before you put a solution into place. Right. ये बहुत अच्छी बात है. ये कहने को एक two liner एक sentence है, but we should be focusing on this. Understand the root cause of a problem before you put a solution into place. जब तक हम roots तक नहीं पहुंचते till the time वो understand के from where the problem created, from where the evil started, from where the variance started, from where the difference started, from where the defect error started, which is the mother cause of that, उस वक्त तक solution should not be put in place. Because you will by this manner will give a ad hoc solution and ad hoc solutions they don't lead to productivity and quality. Remember that. Only the permanent solutions which are done in the processes which are standardized, which are properly tried and properly placed, they are the part of the quality and productivity improvement venture. So understand the root cause of a problem before you put a solution into place. कि आप उस प्रॉब्लम की पूरी रूट काज को अंडरस्टैंड करते हैं जब तक वो सोल्यूशन को रिप्लेस करते हैं नाउ विल सी द काज एंड इफेक्ट डायग्राम काज और इफेक्ट डायग्राम क्या है व्हाई आर काज एंड इफेक्ट डायग्राम्स हेल्पफुल काज और इफेक्ट डायग्राम्स कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हैं गौर से देखें इसको काज इफेक्ट डायग्राम में क्या होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल में जब यूज करते हैं हम इसको कि आप हर एक काज की सब काजेस ब्रांचेस की शेप में लिखते जाते हैं और उसके इफेक्ट्स भी लिखते जाते हैं फॉर एग्जाम्पल रूट काज है एक रूट काज है दूसरी रूट काज है तीसरी रूट काज है वो रूट काज क्यों हुई व्हाट वर द बेसिक काज फॉर दैट व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट रूट काज और फिर ऑब्वियसली उस रूट काज से आपने इमर्ज करके एक फोकस्ड प्रॉब्लम आपकी इमर्ज होगी एंड देन दैट इज डिल्यूटेड करेक्टली इसमें क्या होता है आइडेंटिफाई एंड डिस्प्ले मैनी डिफरेंट पॉसिबल काजेज फॉर ए प्रॉब्लम आप सबसे पहले Remember that whenever the problem, a long problem or a whatever it is, कितनी बड़ी magnitude की problem हो कितनी बड़ी मुश्किल हमें नजर आ रही हो remember one thing, there is nothing in possible in God's world. Allah Taala की जमीन में nothing is impossible, everything is a possible. There is a medicine for every disease and there is a solution to every problem. And there are the multivitamin for every deficiency. Remember that. आपने इस paradigm के साथ चलना है So, once the problems are bigger, break them into pieces. Unke segments bana lein. Chhote-chhote segments mein usko break karein. Address one by one. Once you start addressing problem one by one day very clearly you will find that you have addressed all the problems. Because firstly you broke down that problem into small pieces, then you went to the proper problem identification, and finally you are able to resolve it. So, identify and display many different possible causes for a problem. प्रॉब्लम उतनी ही क्लियर हो जाती है जब वंस दी प्रॉब्लम इज यू हैव अ फोकस्ड एंड क्लैरिटी ऑफ दी प्रॉब्लम के व्हाट इज द रूट कॉज फॉर दिस आई थिंक यू आर अराउंड 70% जॉब इज डन रादर 80% जॉब इज डन नाउ द ओनली 20% इज लेफ्ट टू रीथिंक इट नेगोशिएट इट रीडिजाइन द प्रोसेस एंड स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन टोटैलिटी इन फैक्चुअल पोजिशन आपके डाटा है अगर इन्वॉल्व है तो दैट शुड बी वेरी रियलिस्टिक आपकी अगर कोई फैक्ट स्टेटमेंट है तो दैट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स इफ एनी ऑफ द रूट काज यू आइडेंटिफाई इट शुड हैव अ प्रॉपर रैशनल एंड यू शुड हैव अ प्रॉपर प्रोफेशनल ग्राउंड प्रोफेशनल डिस्कशंस एंड प्रोफेशनल इनपुट ऑन द सब्जेक्ट बिफोर कॉलिंग इट अ प्रॉब्लम सो आइडेंटिफाई एंड डिस्प्ले मैनी डिफरेंट पॉसिबल काजेज ऑफ प्रॉब्लम यू ब्रेक डाउन टू काजेज और वो आपने काजेज को आइडेंटिफाई किया फिर आपने उसको आइडेंटिफाई किया करके फिर आपने एनालिसिस करके उसकी सब काजेज बताई See the relationships between the many causes. There are so many causes, and then you see the interrelationship in different causes. Among the different causes, what is the interrelationships, and helps determine which data to collect. Determine किया जाए कि कौन सा data collect किया जाए.
नाउ वी विल कवर हाउ टू कंस्ट्रक्ट कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए. फर्स्टली क्लियरली डिफाइन द फोकस्ड प्रॉब्लम, फर्स्टली बहुत क्लियरली फोकस्ड प्रॉब्लम को डिफाइन करें. देन यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग टू आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉजेस, उसके बाद आपने ब्रेनस्टॉर्म किया टू आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉजेस. देन सॉर्ट कॉजेस इनटू रीजनेबल क्लस्टर्स, नो लेस देन 3, नॉट मोर देन 6. 3 और 6 के दरमियान उनको रीजनेबल क्लस्टर्स में आपने कर दिया. सो फोकस्ड प्रॉब्लम आपने ले ली, फिर पॉसिबल कॉजेस ले ली, फिर कॉजेस इनटू रिस्पॉन्सिबल क्लस्टर, उनको क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया बिटवीन 3 टू 6. लेबल द क्लस्टर्स, फिर क्लस्टर्स को लेबल किया. कंसिडर पीपल, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मटीरियल्स इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड लेबल्स. तो लेबल द क्लस्टर्स, आपने क्लस्टर्स को फिर लेबल किया. एंड कंसिडर पीपल, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मटीरियल्स इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड लेबल्स, अगर आपने उसको ऑलरेडी नहीं किया हुआ. डिवेल्प एंड अरेंज बोन्स इन ईच क्लस्टर, हर क्लस्टर में आप बोन्स आइडेंटिफाई करते हैं कि यू आर वेरी फोकस्ड एंड यू आर वेरी रियलिस्टिक ऑन द सब्जेक्ट एंड यू मीन बिजनेस, कि आपने फोकस किया अपने प्रॉब्लम के लिहाज से, इशू बेस्ड बात पे सोचा कि जी हमने उसको कैसे बोन्स उसकी अरेंज करनी है. देन चेक द लॉजिकल वैलिडिटी ऑफ ईच कॉजल चेन, जो भी देन चेक द लॉजिकल वैलिडिटी, जो भी उसकी लॉजिकल वैलिडिटी थी ऑफ ईच कॉजल चेंज, जो कि कॉजल चेंज की जो भी वैलिडिटी उसको आपने फिर एड्रेस किया. नो ब्रेनस्टॉर्मिंग रिजल्ट्स बिल्डिंग का कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. नो आप यू शुड बी फोकसिंग ऑन दिस स्लाइड एंड गौर से देखें. टर्न ओवर इन स्टाफ इज द मेन फोकस्ड प्रॉब्लम. अभी कॉज एंड इफेक्ट में हम आते हैं तो पहली प्रॉब्लम है जी, वो कहते हैं जी लैक ऑफ ऑफिस स्पेस, ठीक है जी, दिस इज अ प्रॉब्लम. देन लोकेशन, इट्स अगेन अ प्रॉब्लम. देन रिस्ट्रिक्टेड बजट, बजट के कंस्ट्रेंट्स हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम. देन स्कॉटिंग क्लाइंट टू अपॉइंटमेंट एंड हैविंग वेट, अपॉइंटमेंट के लिए जो क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर आते हैं, उसके लिए भी ये अनइजीनेस काज होती है. पेपर वर्क ओवर एम्बलिंग, पेपर वर्क भी चल रहा है साथ. उसके बाद मिनिमल बेनिफिट्स, बेनिफिट्स उतने नहीं हैं जितनी वेलफेयर मेयर्स होनी चाहिए. नो पॉलिसी ऑन स्टाफ स्क्रीनिंग, स्टाफ स्क्रीनिंग की कोई पॉलिसी नहीं. बैक बाइटिंग एनवायरमेंट, लैक ऑफ सुपरविजन, बर्न आउट, इनएडिकेट ट्रेनिंग. अगर आपने देखा हो गौर से तो ये सारी प्रॉब्लम्स को जब आपने मिला दिया तो टर्न ओवर स्टाफ की बातचीत हो गई. अगर इस पर आप गौर करें तो ये बेसिकली काज एंड इफेक्ट जो डायग्राम है, सबसे पहले प्रोसीजर्स पे अगर जाएं तो प्रोसीजर्स की जो काज एंड इफेक्ट में सब रूट्स आई हैं वो हैं स्कॉटिंग, क्लाइंट, अपॉइंटमेंट एंड वेट और पेपर वर्क. अगर आप पीपल पे आएं, जो पीपल की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो है लैक ऑफ सुपरविजन, बैक बाइटिंग एनवायरमेंट, बर्न आउट और इनएडिक्वेट टाइमिंग. और अगर आप मटीरियल की तरफ से आएं कि मटीरियल में क्या है, तो उसमें आप लैक ऑफ ऑफिस स्पेस, लोकेशन, रिस्ट्रिक्टिव बजट, और अगर अगले पॉइंट पे आए तो उसमें मिनिमल बेनिफिट्स, नो पॉलिसी स्टाफ, यानी 4 मेजर पॉइंट्स जो आपने बनाए उनको आपने जब ब्रेक डाउन किया सब पार्ट्स में, तो रूट कॉज से आपकी एक प्रॉब्लम इमर्ज हुई जिसका नाम आपने रखा टर्न ओवर इन स्टाफ. वो मेन प्रॉब्लम को आपने सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया, रूट टू रीच अप टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. नो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स, बोन्स शुड नॉट इंक्लूड सॉल्यूशंस. ये कुछ उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पहले देखी है कि बोन्स शुड नॉट इंक्लूड सॉल्यूशंस. इसकी बोन्स हैं जो मेन हमने बोन उसका स्ट्रक्चर बनाया, वो सॉल्यूशंस नहीं होनी चाहिए उसमें, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होनी चाहिए. बोन्स शुड नॉट इंक्लूड लिस्ट ऑफ प्रोसेस स्टेप्स, लिस्ट ऑफ प्रोसेस, ना सॉल्यूशन होने चाहिए उसमें, ना लिस्ट ऑफ प्रोसेस और स्टेप्स होने चाहिए. बोन्स इंक्लूड दी पॉसिबल काजेस, वही मैं बात कर रहा हूँ कि बोन्स शुड ओनली इंक्लूड दी ऑल दी पॉसिबल काजेस, उसमें लिस्ट होनी चाहिए, ना सॉल्यूशंस होने चाहिए, ना उसमें प्रोसेसेस या उसके स्टेप्स होने चाहिए. दे शुड ओनली हैव दी पॉसिबल काजेस. बेटर अंडरस्टैंड दी करंट सिचुएशन, नो बिगेन टू डिवेल्प अ चेंज राइट योर से. नो टू समराइज, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज वन ऑफ दी क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल. देन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक हमने शेयर की, देन फ्लो डायग्राम शेयर की, फिर हमने कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टूल्स और डिफरेंट हम यूज कर सकते हैं. हिस्टोग्राम, व्हाट इज हिस्टोग्राम, इट यूज टू विजुलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन. हिस्टोग्राम इनवाइट सैंपल्स, फॉर एग्जाम्पल हिस्टोग्राम से आपको यू हैव अ क्लियर आइडिया एंड क्लियर प्रोफाइल ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर द फर्म आर ऑफ एनी ऑफ द थिंग विच यू वॉन्ट टू सी आर ब्रेनस्टॉर्म आर इम्प्रूव. देन हिस्टोग्राम ऑफ यूनिवेरिएट सैंपल, दैट इज बायोडामलेट टेंडेंसी, ये वो है
जो एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये हिस्टोग्राम को देखा गया है, पुराने प्रोफाइल को इसने इनव्यू लिया. देन कम्स दी हिस्टोग्राम अगेन. दिस हिस्टोग्राम शोज दी यूनिवेरिएट सैंपल एंड स्क्यूड टेंडेंसी. जब ये स्क्यूड हो रहा है उसमें टेंडेंसी एक पूरी पुरानी इसने प्रोफाइल शो किया हुआ है. अगर आप हॉरिजेंटली देखें तो इट इज दी मेजरमेंट स्केल है, और वर्टिकली देखें तो डेंसिटी है एंड इट शोज दी स्क्यूड शेप. पैरेटो चार्ट as it is apparent in the slide, Pareto charts are consistencies of most frequent effects. ye bahut important point hai, let's focus it on again. chart consistencies of most frequent effects, jo most frequent effects hote hain unko zyada chart pe place kiya jata hai, point out kiya jata hai, aur bar bar usse wo profile emerge hota hai. it used to locate major sources of problem. by the use of Pareto charts you can reach to the मेजर सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम्स के असल प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट हो रही है. एंड एबल टू यूज विद दी काउंट एंड कैटेगोरिकल डाटा, जो कि दोनों सूरतों में काउंट और कैटेगोरिकल डाटा दोनों से प्रोफाइल से ये मर्ज हो सकता है. एज वी सी ऑन दी स्लाइड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दी Pareto चार्ट. ये Pareto चार्ट की एग्जाम्पल है, और अगर गौर से हम इसके ऊपर फोकस करें तो जो हॉरिजॉन्टली इसमें काउंट डाउन आया हुआ नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज, और नीचे जो इसके डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें फॉल्ट्स आई हैं वो आई हैं. सैंपल वन के कितने काउंट थे, रेड के कितने हैं, ब्लू के कितने हैं, ग्रीन के कितने हैं, येलो के कितने हैं, और दूसरों के कितने हैं. परसेंटेज जो है वो आपने देखा होगा राइट पे, एक्सट्रीम राइट पे 0, 20, 40 वगैरह लिखा हुआ है. और अगर आप देखें सैंपल वन, इसका काउंट क्या है, इसकी परसेंट क्या है, और इसकी परसेंटेज क्या है उसकी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको Pareto चार्ट पे इस तरह दी गई कि जिस तरह दी एज वी ऑलरेडी डिस्कस दी डिफेक्ट विच मोर मोस्ट मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्स और मेन सोर्स ऑफ प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए यूज होता है. कंट्रोल चार्ट जो है दे यूज टू डिटरमिन इफ वेरिएशन इज चांस आर दी असाइनेबल कॉज. वेरी राइट, इस पॉइंट पर जरा फोकस कीजिएगा, प्लीज रिफ्रेश योर सेल्फ. इट सेज दैट यूज टू डिटरमिन, ये ज्यादा जरूरत है इसकी, इफ वेरिएशन इज चांस आर असाइनेबल कॉज. अगर वेरिएशन का कोई चांस है या असाइनेबल काज हो, गुड फॉर मेयरिंग कंट्रोल ऑफ वेरिएशन. वेरिएशंस को अगर मेयर कर लिया तो इट मींस के यू आर गोइंग मूविंग टुवर्ड्स द जीरो इफेक्ट जर्नी, और वेरिएशंस को कंट्रोल करने के लिए दिस इज गुड टूल, गुड मेयरिंग फॉर कंट्रोल, फॉर द कंट्रोल ऑफ वेरिएशंस. वेरिएशंस के कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है कि अप्लाइड अनाउंस्ड टेक्निकल स्पेक्स के अंदर रहे और वेरिएशन मिनिमाइज्ड हो. कंट्रोल नीडेड बिफोर चेंज, चेंज से पहले इसका प्रॉपर कंट्रोल चाहिए. मोर अप्रोप्रिएटली अप्लाई टू द प्रोसेस रादर देन प्रोडक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल चार्ट्स जो हैं ये प्रोसेस इंप्रूवमेंट पे ज्यादा जोर देते हैं, प्रोसेसेस की वेरिएशंस को दूर करते हैं, प्रोसेस की रीअलाइनमेंट करते हैं रादर देन द प्रोडक्ट. नो द क्वालिटी रिलेटेड कास्ट पे हम बात करेंगे कि देर डिफरेंट कास्ट विच आर क्वालिटी रिलेटेड, जो कि क्वालिटी रिलेटेड कास्ट है हम इनको कहा जाता है उर्फ आम में. प्रिवेंशन कास्ट, प्रिवेंशन कास्ट क्या होती है, प्रिवेंशन कास्ट इज दी एक्टिविटीज टू कीप अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम बीइंग जनरेटेड एंड टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रोसेस. वेरी गुड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौर कीजिएगा. प्रिवेंशन कास्ट वो हैं, दीज आर दी एक्टिविटीज आर सेट ऑफ एक्टिविटीज टू कीप अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम बीइंग जनरेटेड. कि आप शुरू से ही इतनी प्रिवेंशन पे इतनी कास्ट लगा देते हैं, इतनी चीजें प्रिवेंट कर देते हैं कि अनएक्सेप्टेबल प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस ही ना हो, बींग जनरेटेड, एंड टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रोसेस. और जो प्रोसेस है उसको आप बार बार रिव्यू करते रहते हैं, ट्रैक रखते हैं, उसके प्रोफाइल को रिव्यू करते हैं ताकि आपका प्रोसेस सही लाइनों में चले. अप्रेजल कास्ट, एक्टिविटीज टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ द सिस्टम. ऑब्वियसली दीज आर दी एक्टिविटीज विच आर हेल्पफुल टू मेंटेन द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम. क्रेशन कास्ट, एक्टिविटीज टू करेक्ट कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल इंक्लूडिंग एरर्स. क्रेक्शन कास्ट वो हैं, दीज आर दी एक्टिविटीज टू करेक्ट कंडीशंस, जो कि कंडीशंस को करेक्ट करने के लिए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो, इंक्लूडिंग एरर्स, जो एरर्स को करेक्ट करने के लिए जो एफर्ट्स हो या एक्टिविटीज होती हैं उसको क्रेक्शन कास्ट कहा जाते हैं, उन एक्टिविटीज पे जो एक्सपेंडिचर्स आते हैं. एज वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग दी प्रिवेंशन कास्ट, दीज आर दी क्वालिटी प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग. जो क्वालिटी प्लानिंग और इंजीनियरिंग पे जो प्रॉब्लम, जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो आपकी एफर्ट्स आती हैं, जो उनकी कास्ट आती हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दी प्रिवेंशन कास्ट. देन प्रिवेंशन पे आप देखें, जब आप प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली यू प्लान ऑन दी जीरो डिफेक्ट,
and you plan on the highest quality, and obviously something is also spent on the processes, re-engineering, alignment of the engineering processes. So quality and quality planning and engineering ki wo costs aa jati hain. Then new products review. In certain cases pilot projects are made, pilot products are reviewed, pilot processes are seen and then reviewed, uske upar bhi ye costs aati hain. Then product process design, jo product process design hai wo bhi iska hissa hota hai. Then process control ka jo hai, प्रोसेस कंट्रोल पे जो कास्ट आती हैं, प्रोसेस कंट्रोल का जो आपके एफर्ट्स होती हैं इस वेंचर में वो भी इसका हिस्सा हैं. बर्न इन भी इसका पार्ट ऑफ इट है. ट्रेनिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ इट. जब तक याद रखें, यानी वी से के स्वेटिंग सेव्स द मैन. ट्रेनिंग जितनी अच्छी होगी प्रोडक्ट उतनी अच्छी होगी. इफ पीपल आर मोर ट्रेन दे आर मोर कॉन्फिडेंट. इफ दे आर मोर कॉन्फिडेंट दे डिलीवर गुड थिंग्स, एंड इफ दे डिलीवर गुड थिंग्स द आउटपुट इज गुड, एंड वंस द आउटपुट इज गुड प्रोडक्ट इज गुड देन एवरीथिंग इज गुड. सो ट्रेनिंग इज अ गुड इशू विच हैज इट्स प्योर इम्प्लीकेशन एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. इवन मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, वर्कर लेवल, टॉप मैनेजमेंट, हर एक को वाइब्रेंट ट्रेनिंग जो है इट प्लेज इट्स रोल. देन द क्वालिटी डाटा एक्विजिशन एंड नॉलेज एंड एनालिसिस. तो क्वालिटी डाटा की एक्विजिशन और एनालिसिस है, ये भी इसकी कास्ट का हिस्सा होता है. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द अप्रेजल कास्ट. अप्रेजल कास्ट कौन सी है? अप्रेजल कास्ट होती है इंस्पेक्शन एंड टेस्ट ऑफ द इनकमिंग मटेरियल. देखिए, व्हेन एवर द मटेरियल कम्स, यू विल सी मोर इन क्वालिटी ऑल्सो इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो. क्वालिटी इज नॉट आइसोलेटेड डिपार्टमेंट. क्वालिटी इज एवरी वन्स बेबी. And quality starts with your processes, with your materials, right from the beginning, from your vendor, from your supplier, from your contractor, who provides you the raw material. Because right from very first step, you ensure that no steps goes unattended without the quality processes. So appraisal cost mein, sabse pehle you carry out the different inspections for the materials, for the infrastructures, for the machines, for the equipment, for the other relevant things, raw materials. So inspection and test of incoming material, jo inspection aur test of incoming material ki jati hai, may be first time if you are doing the commissioning of those machines, that is also part of the appraisal cost. So inspection jo detail mein aap raw material ki karte hain, aur test of incoming material ko jo aap certain apni pre qualifications pe prerequisite pe qualify karte hain, that is part of the appraisal cost. Then the product inspection and test. प्रोडक्ट की जो इंस्पेक्शन होती है, यू नो देयर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, यू इंश्योर इट थ्रू डिफरेंट क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, डिफरेंट लोग इन प्लेस होते हैं, और फिर उनके टेस्टों को भी आप करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, यू इंश्योर इट कि दे क्वालिफाई टू दी मैक्सिमम लिमिट्स. जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ है, आप टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत सारी सैंपल करके मटीरियल को यू इंश्योर कि हर चीज़ उस लेवल पर आए. देन दी मटीरियल्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड, जो भी उसके मटेरियल जो सर्विसेज कंज्यूम्ड है वो देखी जाती हैं. देन मेंटेनिंग एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट. देन एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट के लिए स्टेप्स क्या क्या होंगे? जो भी टेस्ट इक्विपमेंट है उसकी एक्यूरेसी के लिए सबसे पहले तो आपकी उसकी रेलिवेंस और बड़ी मोस्ट इफेक्टिव कैलिब्रेशन की जरूरत है एज पर दी स्टैंडर्ड. अगर आपका प्रॉपर इक्विपमेंट या टेस्ट इक्विपमेंट राइट टू कहीं प्रॉपरली कैलिब्रेटेड ही नहीं है तो हो दी टेस्ट इक्विपमेंट वुड बिहेव. सो कैलिब्रेशन इज नंबर वन. कैलिब्रेशन के ऊपर भी जो कास्ट आती है उसको अप्रेजल कास्ट का हिस्सा बनाया जाता है. देन उसकी रिपेयर आ जाती है, उसकी टेस्ट इक्विपमेंट की रिपेयर कैसे होगी, फिर उस टेस्ट इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कैसे होगी, फिर उस टेस्ट इक्विपमेंट में एडवांस कार्ड सिस्टम या एडवांस नए सॉफ्टवेयर कैसे लोड किए जाएं, दे शुड मैच टू योर प्रोडक्ट एंड दे शुड मैच टू दी वाइब्रेंट रिक्वायरमेंट्स. सो मेंटेनिंग एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट, दिस कास्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दी अप्रेजल कास्ट. और ये सारे अप्रेजल कास्ट के स्टेप्स हैं जो मैंने हिस्से हैं, सेगमेंट्स हैं जो मैंने आपसे अभी शेयर किए. देन करेक्शन कास्ट. करेक्शन कास्ट वो होती हैं जो कि इफ यू हैव डन अ रॉन्ग प्रोसेस, द प्रोडक्ट हैज बीन रॉन्ग, प्रोडक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड रॉन्ग, अनफिट प्रोडक्ट, फेल्ड प्रोडक्ट कह लें उसको, उस पर जो करेक्शन पे कास्ट आती है दैट इज नोन एज करेक्शन कास्ट. इस पे दो इसके स्टेप्स हैं, वन इज द इंटरनल फेलियर कास्ट, अदर इज द एक्सटर्नल फेलियर कास्ट. अभी इंटरनल फेलियर कास्ट में स्क्रैप आ जाते हैं. यू सी वंस योर प्रोडक्ट फेल्स ऑल टूगेदर योर प्रोडक्ट इज लाइक अ स्क्रैप. जो इट कम्स टू अ स्क्रैप, जो मटेरियल था जितना आपने उसमें मैन आवर्स लगाए, जितनी क्वालिटी लगी, जितनी एनर्जी लगी, इट इज अगेन स्टैंडिंग ऑन स्क्वायर जीरो. सो इट्स अ स्क्रैप. देन रीवर्क.
उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए दोबारा आपको जो रीवर्क करना पड़ा आपके टेक्निकल एसेट्स को, प्रोफेशनल्स को, लोगों को, प्रोसीजर को, वो भी उसकी भी कास्ट है ये। देन रीटेस्ट कास्ट, दोबारा उसकी जो रीटेस्ट हो रहा है कि डज दी प्रोडक्ट क्वालिफाइज दी स्टैंडर्ड्स, वो उस पर आ जाती है। देन दी फेलियर एनालिसिस, जो फेलियर एनालिसिस है वो भी उसका हिस्सा बन जाता है। देन डाउन टाइम, जो डाउन टाइम है उसी इंटरनल फेलियर कास्ट के मुतालिक है। देन यील्ड लॉसेस, जो यील्ड में या उसकी प्रोडक्टिविटी में लॉसेस हुए हैं उसकी कास्ट। एंड देन डाउन ग्रेडिंग ऑफ स्पेसिंग, जो कि डिफरेंट डाउन ग्रेड करने की ऑफ स्पेसिंग की जो कास्ट है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दी करेक्शन कास्ट। और करेक्शन कास्ट में ये इंटरनल फेलियर कास्ट का हिस्सा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दी एक्सटर्नल फेलियर कास्ट। पहले हमने इंटरनल फेलियर कास्ट की बात की है तफसीलन, नाउ वी विल टॉक अबाउट दी एक्सटर्नल फेलियर कास्ट। दे इंक्लूड दी कंप्लेंट एडजस्टमेंट, जो भी कंप्लेंट एडजस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी कास्ट जो एक्सटर्नल फेलियर कास्ट है। देन दी रिटर्न प्रोडक्ट ऑब्लिक मटीरियल, जो भी रिटर्न प्रोडक्ट या मटीरियल है उसकी कास्ट है। देन वारंटी चार्जेस, जो वारंटी चार्जेस हैं वो भी इसकी कास्ट में आ जाते हैं। देन लाइबिलिटी कास्ट, जो भी लाइबिलिटी कास्ट हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। देन इनडायरेक्ट कास्ट, जो इनडायरेक्ट कास्ट आती हैं वो भी एक्सटर्नल फेलियर का हिस्सा हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी इसके ऊपर एक्सटर्नली इनडायरेक्ट कास्ट आएगी वो विल नॉट कॉल इट द अप्रेजल कास्ट और अदर कास्ट, विल कॉल इट अ करेक्शन कास्ट एंड इट कम अंडर द सब हेड ऑफ द एक्सटर्नल फेलियर कास्ट। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी मैनेजमेंट एक्रीडेशन एंड क्वालिटी इश्योरेंस, एक्सीलेंट, ये बहुत अहम आपका पॉइंट है, ये जरा गौर से देखिएगा दोबारा। इट इज द कास्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, एक्रीडेशन, कि उसको कैसे एक्रीडेट किया जाता है क्वालिटी को, एंड क्वालिटी इश्योरेंस, और क्वालिटी इश्योरेंस को कैसे इंश्योर किया जाता है। अगर आप कास्ट को गौर से देखें, इसमें करेक्शन भी है, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस भी है, और टोटल भी है। जब ये सारी सिनर्जाइज हो जाती हैं और यू वांट के आपकी ये सारी की सारी कास्ट इनको हम रिड्यूस किया जाए, तो यू ओनली रिजॉर्ट टू दी क्वालिटी वर्क। नाउ विल कवर दी इंटरनल एंड एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के इंटरनल और एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्या हैं, इंटरनल बेनिफिट्स में क्या कुछ आता है। इंटरनल बेनिफिट्स जो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी इंप्लीमेंट करने के हैं, सबसे पहले क्या आते हैं कि रिड्यूसेस कास्ट, ओवरऑल कॉस्ट प्रोडक्ट की रिड्यूस हो जाती है। कैसे रिड्यूस हो जाती है, कि यू इंप्रूव प्रोसेसेस, आपको रिवर कम हो जाता है, आपके स्क्रैप्स नहीं होते, आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं होती, आपके मैन पावर ज़ाया नहीं होते, यू ऑलवेज अडेयर टू दी राइट टाइप ऑफ मटीरियल, यू अडेयर टू दी राइट टाइप ऑफ मैन, यू हैव रिटर्न प्रोसेसेस, वर्क फोर्स एनवायरमेंट अच्छी होती है, जो वर्कर है वो विलफुली अच्छा काम कर रहा होता है। सो ओवरऑल जो प्रोडक्ट का कास्ट इम्पैक्ट है वो कम आता है, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है क्वालिटी इंश्योर करने से। तो इंटरनली ये होता हुआ कि इट रिड्यूसेस कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट। देन इट इंक्रीजेस डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी जो है, जो जब इंटरनल बेनिफिट्स में डिपेंडेबिलिटी ऑन द प्रोसेसेस एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ द कस्टमर ऑन द प्रोडक्ट ये बढ़ जाती है, फिर ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस स्पीड, फिर स्पीड भी बढ़ जाती है प्रोडक्ट, जब सप्लाई चेन का रूल है, वंस योर प्रोडक्ट्स आर बीइंग एक्नॉलेज्ड एंड योर असेंबली लाइन इज गुड एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग यू एंड कॉलिंग यू, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। देन इट बूस्ट दी मोरल ऑफ द पीपल। मोरल जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे मैंने शुरू में शेयर किया था, क्वालिटी जो है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट रैंक टू द हाईएस्ट रैंक। सो इससे एज ए टीम वर्क एक नई स्पिरिट जनरेट होती है एंड दे फील हैप्पी एंड प्लेयर अबाउट दिस कि हमने अच्छा शो पुट इन किया। फिर इंक्रीजेस कस्टमर रिटेंशन। जो कस्टमर बॉन्डेज है बाय वर्च्यू ऑफ योर गुड क्वालिटी वो इंक्रीज होता है, इन्हांस होता है, डुप्लीकेट होता है, और कस्टमर थिंक्स एंड कस्टमर टेक्स के डूइंग राइट थिंग्स। एंड इट वंस यू हैव इंक्रीज कस्टमर बेस देन यू हैव इंक्रीज इन द प्रॉफिट, फिर साथ साथ आपके प्रॉफिट में भी इंक्रीज आती है। दीज ऑल आर द इंटरनल बेनिफिट्स ऑफ द क्वालिटी। देन एक्सटर्नल बेनिफिट्स ऑफ द क्वालिटी इंक्लूड कस्टमर गेट्स करेक्ट प्रोडक्ट और सर्विस। क्या आपने जब प्रोडक्ट आउट कर दी तो कस्टमर को कस्टमर नीड के मुताबिक ही प्रोडक्ट मिली, जो उसकी प्रायोरिटी थी उसके मुताबिक ही मिली। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या दूसरी करेक्ट स्पेसिफिकेशन की प्रोडक्ट मिली। अप्रोप्रिएट इंटेंजिबल्स, जो भी इंटेंजिबल्स वो चाहते थे वो इंटेंजिबल्स इंश्योर हो गए, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन की रेशियो बढ़ गई। यू हैव अ बेटर मार्केट रिप्यूट, यू हैव मोर मार्केट शेयर, यू हैव गुड एंड लॉयल बॉन्डेज विद द कस्टमर एंड यूअर स्लोगन क्वालिटी हैज प्रूव्ड इट वेल। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बाद कस्टमर रिटेंशन फेज आता है। वंस द कस्टमर इज सेटिस्फाइड विद यू,
ही हैज मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ बॉन्डेज विद यू एंड देन कस्टमर रिटेंशन फेज आता है कि ही रिटेन्स यू ऑलवेज एज ए कस्टमर. कस्टमर इज लॉयल टू द प्रोडक्ट एंड कस्टमर इज लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर इज लॉयल टू द ब्रांड एंड ऑब्वियसली ही इज रिटेन्ड एंड वंस द कस्टमर इज रिटेन्ड योर लॉन्ग टर्म बिजनेस फ्लरिशेस. उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाता है. ड्रॉबैक्स, नो विल बी टॉकिंग अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस क्वालिटी क्वालिटी इश्योरेंस. लॉन्ग वे टू एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली इट्स नॉट अ ड्रॉबैक, आई विल से इट्स अ कमेंट के ऑलवेज यू कॉन्ट गेट एनी थिंग इन लाइफ. आप अगर रियल लाइफ में देख लें, पर्सनल लाइफ में देख लें, लॉ ऑफ नेचर के तहत देख लें, नथिंग इज एक्सेसिबल विदाउट सेक्रीफाइस. सो यू अटेन दिस क्वालिटी फ्लैग, यू गो ऑन द हाइट्स ऑफ द क्वालिटी. आप टॉप हाइट पे क्वालिटी की तभी जाते हैं जब लॉन्ग वे टू एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन. इट्स अ लॉन्ग वे टू एस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन. एंड क्वालिटी मैनेजमेंट डिजाइन नॉट ऑलवेज फिट फॉर पर्पज, लॉस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस. क्वालिटी मैनेजमेंट डिजाइन नॉट ऑलवेज फिट फॉर द पर्पज, बाज दफा वो उस पर्पज से फिट नहीं होता और फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो कंप्रोमाइज होती है. सब्सटेंशियल एफर्ट्स भी की जाती हैं और मेंटेन सिस्टम अदरवाइज रिजेक्टेड. सिस्टम को या तो मेंटेन किया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है. सो क्वालिटी हैज मोर बेनिफिट्स देन द ड्रॉबैक्स एंड इट्स अ गुड स्लोगन फॉर द इम्प्रूव्ड मार्केट शेयर, इनहांस प्रोडक्टिविटी, गुड वर्कर्स, मोटिवेटेड वर्कर्स एंड फ्लरिशिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो विच इज बींग टेस्टेड. जो इंटरप्राइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन का हम टेस्ट ले रहे हैं. नो विल बी कवरिंग द समरी ऑफ द लेक्चर. वॉट एवर वी हैव कवर्ड, फर्स्टली वी टॉक्ड अबाउट द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. TQM is a slogan which is responsibility, which says that quality is responsibility of everybody in an enterprise. May it be middle class manager, middle management, may be top management, may be lower management, may be workshop floor. So once we talk about the TQM, it's a long journey where people came, and in this journey it started from the inspection, statistical control or different tools ko improve karte ye udhar tak pahuncha. Then the quality is not free. क्वालिटी इट सेल्फ आपने इनहेरेंट इसके अंदर अल्लाह ताला ने वो रख दी है चीज़, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो करेक्टरिस्टिक रख दी है. क्वालिटी ऑलवेज पेज. क्वालिटी वैन एवर यू इंश्योर TQM, जब भी आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं, इट डजेंट मीन कि क्वालिटी इज सीन इन आइसोलेशन. इट्स नॉट आइसोलेटेड डिपार्टमेंट, इट्स आर टेकिंग अलॉन्ग ऑल द पीपल. टीम वर्क है, यह टीम एफर्ट है डिपार्टमेंट की और उस ऑर्गेनाइजेशन की और उस इंटरप्राइज की. इन द जर्नी टूवर्ड्स TQM यू नीड टू इंश्योर इन एवरी प्रोसेस, every step, every interaction, every management, the TQM is ensured. For example, generally whenever we talk about the TQM in the office matters only, the enterprise matter only. Total quality management is applicable to the personal relationship management also, which start from the circle of self. अगर आपने self TQM किया है, अपनी personal TQM total quality management किया हुआ है कि I'll say good things, either I'll not say anything. जैसे अल्लाह ताला के प्यारे नबी की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे पे खास रहम फरमाए जो काम भी करे खूबसूरती के साथ करे, क्वालिटी के साथ करे. तो क्वालिटी का कंसेप्ट तो हमें उधर से मिल गया. अच्छा, दूसरा डेमिंग ने एक जगह कहा, जो कि क्वालिटी गुरु है फ्रॉम जापान, ई सेट द वेरिएशन आर द डिफेक्ट्स आर कल्पेट टू क्वालिटी. ये सारी की सारी एफर्ट्स वेयर दे आर लीडिंग टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड हाउ योर कस्टमर वुड बी सेटिस्फाइड कि वट एवर ही वॉन्ट्स, वट एवर इज कस्टमर नीड्स आर, कस्टमर प्रायरिटीज आर, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर, दे आर मेट ऑन प्रायरिटी. उसको पता हो ही हैज फुल रिलायबल बॉन्डेज विद द प्रोडक्ट, बैकअप सपोर्ट उसको मिल रही है, ही इज गिविंग प्रॉपर रिस्पेक्ट इफ केस ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड ही एंजॉयज गुड रेपो विद द कंपनी. तो इससे यू हैव अ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप. वंस यू हैव लॉन्ग टर्म बिजनेस स्टेप्स तो यू विल हैव अ मोर मार्केट शेयर. वंस यू हैव मोर मार्केट शेयर you will have the more productivity in your place. नीचे से शुरू करें अगर तो from the step one, from where you took the slogan of the TQM is right from your vendor. Whenever you interacted with him, you just decided, entire enterprise people decided that we'll have the slogan of TQM. It means that you'll have right material, we'll have right processes, we'll have no wastages, we'll have good quality things, and we'll not waste time on rework, scrap and other things. Will have one time done, good time done, no repetition of things. Usme the cost of the item will be reduced. Once the cost of the item is reduced without compromising on quality, your output of the organization is
increased. Once the output of the organization is increased, your customer has more bondage, more respect for the brand, more trust on the brand, I would say. Customer satisfaction management is on the better road. Once he gets it, once he is purchasing more, there are more purchases, there is more profit generation. Once you have more profit generation, you have more market share. Once you have more market share, you have better, your enterprise has contributed better at national level. National level productivity may you have contributed very well. Then once you have contributed well in the national level productivity, then obviously you have a fair role in the global level productivity also. Usme bhi aapne contribute kiya. So isme ek aspect to tha, ye uski market ka aur product ka jo maine aapse share kiya, customer relationship management ke angle se. Now come to the workers welfare, Maslow need ke tahat. You have met the all the requirements of your the organization or enterprise is a profit generating organization. They are going on positive things. Once they are earning profit and going on positive thing, definitely they will be looking after their management also. They will be looking after their employees and workers also as per the Maslow need. Maslow need ke tahat they will be more welfare oriented. They will be more facilitating their employees. जब एम्प्लॉयज विल बी हैप्पी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की रिजॉल्व होंगी, उनकी नीड्स को एड्रेस किया जाएगा, दे आर द मोर विलफुल वर्कर्स. वंस दे आर मोर हैप्पी एंड विलफुल वर्कर्स, दे आर मोर विलफुल सोसाइटी मेंबर्स, देन देयर चिल्ड्रन एंड द सोसाइटी इज हैविंग मोर पॉजिटिव माइंडेड पीपल एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिव टू डी योर कम्युनिटी. वंस यू आर कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिव टू योर कम्युनिटी इज कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिव टू योर नेशन. एंड वंस योर नेशन इज कंट्रीब्यूटिंग वेल, you are contributing very positively at global level. So har angle se dekhen, agar main isko self relationship se dekhu, main isko productivity se dekhu, main isko quality enhancement se dekhu, main isko product sale se dekhu, main isko cost benefit analysis jisko CBA kaha jata hai us angle se dekhu, market share se dekhu, everywhere TQM total quality management it overshadows everything. You decide ki I have TQM in my relationships with the people, horizontally, vertically, upward, downward, घर में, बाहर, family के साथ, दफ्तर में, I'll apply TQM. You see, you will be a good smiling person everywhere and you will ensure that your things are heard very well, you are listened very well and you are respected very well and you have a better improvement in every sphere of life. After TQM, we discussed different quality improvement tools which included cause and effect diagram, flow diagram, brainstorming. These were the different tools, quality improvement tools, which we discussed. Chart se, Pareto chart se, statistical analysis ki baat hui, histograms ki baat humne ki. Usse these all are the basically tools and the data through which you come to basically ultimate aim is of yours is to reach to the root cause of the problem and which you could use the different tools. After that, cost related quality, हमने different cost देखी which are related to the quality, जैसे appraisal cost पे हमने बात की थी, जैसे internal failure cost पे बात की थी, external failure cost पे बात की थी, कि अगर if you don't adhere to the cost proper quality TQM ensure नहीं करते, तो these are the different cost which are seen being applying on the quality. तो वो जैसे ट्रेनिंग की बात हमने की थी कि ट्रेनिंग में देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मनी स्पेंडिंग मोर ऑन ट्रेनिंग. फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रेनिंग कराते हैं अपने इंडिविजुअल्स को, अपने एम्प्लॉइज को, यू हैव मोर स्किल्ड मैन पावर, यू हैव गुड कॉन्फिडेंट पीपल, यू हैव लेस वेस्टेज ऑफ टाइम, यू हैव मोर फाइन प्रोडक्ट्स एंड यू हैव मोर क्वालिटी ब्रांडेड थिंग्स, यू हैव लेस वेस्टेज ऑफ एनर्जीज, यू यूज योर प्लांट, योर मशीनरी या इक्विपमेंट टू द ऑप्टिमम, आपने पूरा पोटेंशियल यूज किया. सो TQM से अगर मैं कॉम्प्रीहेंसिवली वन लाइनर कहूँ तो मैं वेरी कंफर्टेबली आई कुड सी कि ये वो चीज़ है जिसके अप्लाई करने से यू इन्हांस एंड यूज एंड यूटिलाइज द ह्यूमन पोटेंशियल टू द ऑप्टिमम. आप हाइस्ट लेवल पे ह्यूमन पोटेंशियल को यूज करते हैं एंड देन यू यूज द मशीन पोटेंशियल एंड ह्यूमन स्केल ऑल्सो कपल्ड विद दैट टू द हाइस्ट पोटेंशियल. Then you bring the product to a level which has the maximum repo in the market or competitive world mein, competitive advantage mein, competitive analysis mein, apne saath ke jo uske log hain, it's on the better edge than that. So then we discuss few benefits and drawbacks of quality. There is no drawback to quality, there are all benefits to quality which leads to a good respectable enterprise and organization. Gentlemen, we have finished our lecture. At the end of the lecture, as per my habit and as we have decided earlier, that I do share something good with you.
सो दैट इट्स माई सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एफर्ट, एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई लिसनर्स, फ्रॉम माई स्टूडेंट्स एंड कोलीग्स, कि आई जस्ट शेयर विद दैम एंड इट्स अ जस्ट अ म्यूचुअल इम्प्रूवमेंट एफर्ट ऑन द रूट ऑफ गुडनेस एंड पॉजिटिविटी. दिस स्लाइड सेज इंडीड अल्लाह विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ पीपल अंटिल दे चेंज व्हाट इज इन देमसेल्व्स. हकीकत में अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी की हालत नहीं बदलेंगे टिल द टाइम दी पीपल आर इंटरेस्टेड टू चेंज देमसेल्व ऑन द रोड ऑफ पॉजिटिविटी. इकबाल ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का. लैसल इंसान इल्ला मासा, बेशक इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी उसने एफर्ट की, कोशिश की. सो इट्स वेरी क्लियर, nobody will come to me, nobody will come to you and give a just a plate of rice to us in front of us. Management ki language mein it's a well said sentence, there is no free lunch. So you'll only get for what you will work, and there is nothing impossible to the high moral people who want to work in life. So let's decide with the mind of positivity, with the mind of goodness, with the mind of issue based thinking style, well principle centered tarike se will create the comforts for the humanity and community, and will do well good, better, best for the humanity and community with each in each sphere of life. May it be in the self orbit, may be in the office orbit, may be in the relatives relationship orbit, may be with the parents. और इससे साथ ही मैं आपसे खास तौर पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एज आई डू जर्नली, कि आपसे रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि हमने एक प्रोडक्टिविटी के स्ट्रैक में, इस प्रोडक्टिविटी के रूट में, इस जर्नी टूवर्ड्स क्वालिटी में अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, और अपने दिए हुए नॉलेज के बेस पे वे वांट टू विल इन आउट चेंज, एक आई एम इंटरेस्टेड टू ब्रिंग, कि हम अंदर से बाहर की तरफ चेंज लाएं, जो कि सेल्फ चेंज से एक जर्नी शुरू हो TQM का, जो कि बाकी हर एरियाज को कवर करे. हमारे मिलने में, हमारी रिस्पेक्ट में, हमारे इंटरेक्शन में हर जगह पॉजिटिविटी नजर आनी चाहिए. एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ माई कोलीग्स विच यू आर लिसनिंग मी, दैट विच इज माई पर्सनल डिजायर एंड रिक्वेस्ट ऑल्सो, कि लेट्स लुक आफ्टर आर पेरेंट्स, लेट्स लुक आफ्टर आर पेरेंट्स. देयर आर द मोस्ट प्रेशियस एसेट इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स आई वुड से. अल्लाह ताला ने हमें सबसे कीमती असासा हमारे पेरेंट्स दिए हैं. तो मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सबको अपने वालदेन की खिदमत करने की तौफीक दे, उनकी दुआएं लेने की तौफीक दे, कम्युनिटी और कम्युनिटी की प्रॉपर तरीके से, पॉजिटिव तरीके से उनके लिए कम्फर्ट क्रिएट, सोर्स ऑफ कम्फर्ट बना दे, और उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की हिम्मत दे. और मेरा, मुझे और आपको अल्लाह ताला अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज ना करे, और मेरे और आपके दिल की रब्बे ज़ुलजलाल खालिक़े कायनात दिल की हर दुआ जो जो हमारे दिलों में इसी तरह कबूल करे. थैंक यू वेरी मच. विद दिस आई फिनिश माई लेक्चर. थैंक यू. अस्सलामु अलैकुम. अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह.